सभी को नमस्कार। और खासकर का जो हरियाणा की जनता है उनसे मेरी अपील है कि हरियाणा सत्र शुरू हो रहा है और उसमें सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, तो सभी एमएलए से ये है कि वो किसान के पक्ष में इसमें किसानों का समर्थन करें, उसके साथ में खड़े हो और उसका पूर्ण रूप से जो अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है सरकार के पक्ष में ना जाएं। और जो इस तरह का काम एमएलए करेगा हम उसका धन्यवाद करेंगे, उसको सम्मानित करेंगे और सबको किसानों के साथ में खड़ा होना चाहिए। और जो जिस क्षेत्र से एमएलए हैं वहां के लोगों से भी अपील है कि अपने एमएलए से बातचीत करें, वो किसी भी पार्टी का है। आज वक्त आ चुका है कि आज किसानों के साथ में खड़ा होने का वक्त आ चुका है और इस तरह का जो मूवमेंट है आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हाउस के अंदर आप इन चीजों का पूरा विरोध करें और किसानों के साथ में खड़े हो। राकेश टिकैत, भारतीय किसान, सभी को नमस्कार। और खासकर का जो हरियाणा की जनता है उनसे मेरी अपील है कि हरियाणा सत्र शुरू हो रहा है और उसमें सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, तो सभी एमएलए से यह है कि वो किसान के पक्ष में इसमें किसानों का समर्थन करें, उसके साथ में खड़े हो और उसका पूर्ण रूप से जो अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है सरकार के पक्ष में ना जाएं। और जो इस तरह का काम एमएलए करेगा हम उसका धन्यवाद करेंगे, उसको सम्मानित करेंगे और सबको किसानों के साथ में खड़ा होना चाहिए। और जो जिस क्षेत्र से एमएलए हैं वहां के लोगों से भी अपील है कि अपने एमएलए से बातचीत करें, वो किसी भी पार्टी का है। आज वक्त आ चुका है कि आज किसानों के साथ में खड़ा होने का वक्त आ चुका है और इस तरह का जो मूवमेंट है आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हाउस के अंदर आप इन चीजों का पूरा विरोध करें और किसानों के साथ में खड़े हो। राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन।